पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में डोमिनोज पिज्जा आउटलेट वालों का कारनामा सामने आया है। वेज पिज्जा का ऑर्डर करने वाले युवक को नॉन वेज पिज्जा दे डाला। डिलीवरी बॉय वेज के बजाय नॉन वेज का पिज्जा लेकर आया। पिज्जा के डब्बे में वेज पिज्जा का लगा था स्टिकर। पिज्जा की बाइट तोड़ने के बाद पहला निवाला खाने पर लगा नॉन वेज पिज्जा होने का पता। मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धि बिहार में ये डोमिनोज पिज्जा का आउटलेट है। ग्राहक द्वारा डोमिनोज पिज्जा आउटलेट वालों पर कोई सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। सर, मेरे साथ ये हुआ, मैंने इनके यहाँ से ऑर्डर किया था डोमिनोज से, मेरे भाई ने, वेज भी था उसमें नॉन वेज भी था। जिन्होंने नॉन वेज ऑर्डर किया था वो वहाँ उपस्थित नहीं थे। ऑर्डर मैंने रिसीव किया, मुझे पता नहीं था उसमें नॉन वेज भी ऑर्डर हुआ है। जब मैंने अपना ऑर्डर रिसीव किया उसमें सारे ऑर्डर्स पे इनकी जो चिट होती है वेज की, सब पे ग्रीन चिट लगी हुई थी। मैंने उसे वेज समझ के कंज्यूम कर लिया। उसके बाद जब मेरा भाई आया, कह रहा मैंने इसमें नॉन वेज भी ऑर्डर किया था, फिर हमने इनके आउटलेट पे फ़ोन किया कि सर हमने गलत ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो कह रहे नहीं सर, ऑर्डर तो आपका वो नॉन वेज ही था, लेकिन उस पर स्टिक जो लगी है वो वेज की लग गई है बाय मिस्टेक। अब मैंने तो सर कंज्यूम कर लिया, मैं तो नॉन वेज छूता भी नहीं हूँ, मेरे तो रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो गए हैं इस चीज़ को लेकर। उसके बाद मैंने इनसे कई बार सुनवाई करने के लिए इन्हें फ़ोन किया, तो मुझसे कह रहे सर इसमें कुछ हो नहीं सकता है, बस हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं, आपके पैसे रिफंड कर देंगे। मैं इस ऐसे पैसे का क्या करूँगा जिसमें मेरे रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो गए हैं? कोई मेरी भावनाओं को पैसे से तोला जा रहा है यहाँ पर? अब इन लोगों से बात हुई तो क्या? मेरी इन लोगों से बात हुई, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सब यही कह रहे हैं कि सर हम माफ़ी मांगते हैं और हम रिफंड देने को तैयार हैं, लेकिन मैं इस रिफंड का करूँगा क्या? मैंने इनसे ये भी कहा कि मुझे लिखित में माफ़ीनामा लिख के दीजिए आप अपनी कंपनी की तरफ से। उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं, लिखित में माफ़ीनामा नहीं दे सकते हैं। सर ये किसी के साथ भी हो सकता है, वो तो मैंने इस चीज़ की आवाज़ उठाई है, पता नहीं आगे कितने जनों के साथ हुआ होगा जिनकी आवाज़ दबाई गई होगी। ये तो बस तुरंत कहते हैं कि सर हम आपको पैसे रिटर्न कर देते हैं, ऑर्डर फ्री कर देते हैं। हम ऑर्डर फ्री करने लायक थोड़ी है इस चीज़ को लेके, भावनाओं के साथ खेला जा रहा है ये एक आदमी की। किस नाम से आउटलेट है ये? आउटलेट डोमिनोज के नाम से है, जानी मानी फ्रेंचाइजी है, ये वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइजी है, इसमें भी बड़े बड़े एक्सपर्ट रखे जाते हैं। उन लोगों से भी ये गलतियाँ हो रही हैं तो कहाँ आदमी जाके वो कहेगा? इनके द्वारा कहा जाता है कि हमारी नॉन वेज की ब्रांच किचन अलग है, वेज की किचन अलग है, लेकिन जो स्टिक नॉन वेज पे वेज की द्वारा लगाई गई है, तो आप इसका मतलब वेज सेक्शन में भी एंटर कर रहे हैं? जब आपकी पैकेजिंग हो रही है, पैकेजिंग तो सेम जगह हो रही है वेज और नॉन वेज की दोनों की। अच्छा, आप इसकी कोई शिकायत करेंगे कहीं? मैंने इसकी शिकायत फूड इंस्पेक्टर, आपकी फूड विंग है मुरादाबाद में, मैंने वहाँ पे भी करी है इसकी शिकायत, और मैंने कंज्यूमर फोरम में भी इसकी शिकायत करी है, और मैं इसका नोटिस भी लिख के कंज्यूमर फोरम के थ्रू इनकी कंपनी को भिजवाऊंगा। लेकिन बस मेरी एक इतनी सी गुहार थी कि मैं इनसे माफ़ीनामा लेना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे उसके लिए साफ इनकार कर दिया है। मैंने सर को नंबर दिया है, सर ने बात करी ना, मैंने कंप्लेंट पर बात करी है सर, मैं अथॉराइज पर्सन नहीं हूँ उसके लिए। जी, ऑर्डर किया है बिल्कुल, जब इन्होंने दिखा ना तो ऑर्डर किया होगा सर। जो इनकी शिकायत है वो सर हमारी कंप्लेंट टीम देखती है, वो इनको कॉल भी करेगी, इनसे बात भी होगी सर। आपके यहाँ भी ऑर्डर खरीदा ना? नहीं, ये इन्होंने ऑनलाइन किया है, यहाँ से एप्लीकेशन के थ्रू इन्होंने ऑर्डर किया है, और नॉन वेज ऑर्डर किया है, नॉन वेज सर को डिलीवर होगा। स्टिकर के लिए है, उसके लिए मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैं ऑन सीट पर था। सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ना ही मैं इसके लिए अथॉरिटी पे पर्सन हूँ, जो है वो अभी इस टाइम अवेलेबल। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।